नमस्कार, स्वागत है आपका। आपकी बात में उत्तराखंड की सियासत यूं तो हमेशा चर्चाओं में रही है, लेकिन 18 मार्च 2016 के बाद और उसके बाद जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली वो काफ़ी आश्चर्यजनक थी। कई नए बिंदु सामने आए, पार्टी के अंदर बगावत हुई, लोग पार्टी छोड़कर भी गए, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। इस तरह के घटनाक्रम क्यों बना? मेरे साथ मौजूद हैं उमेश शर्मा काऊ जी हैं रायपुर से, निर्वाचित विधायक थे। काऊ जी, स्वागत है आपका। आपकी बात का धन्यवाद आपका। मेरी ओर से सभी जितने भी नेटवर्क 10 के सुनने वाले हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। ये चैत्र महीना है, हमारे आजकल नवरात्रों के दिन हैं, उनकी बधाई देता हूँ। उमेश जी, सीधे शब्दों के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं, आपने पार्टी के साथ बगावत क्यों की है? विजय बघोना जी क्या कहते हैं, हरक सिंह रावत जी क्या कहते हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं? मैं सिर्फ व्यक्तिगत आपका कर मालूम करना चाहूँ तो। मैंने पार्टी से कोई बगावत मैंने सरकार से की। सरकार की कार्यप्रणाली से पिछले काफी समय से मैं संतुष्ट नहीं। अपना बिल्कुल व्यक्तिगत, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल व्यक्तिगत। मैंने, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा और टीवी पे भी सुना होगा, परसों जब मैंने प्रेस की थी बताया, मैंने आपके सारे बयान, तो 14 दिसंबर 2015 को विधायकी से रिजाइन किया था। लेकिन ये चर्चा में नहीं आया था, आपने उसके बाद नहीं, मुझे कहा गया था कि हम इससे कंट्रोल करेंगे। ये तो एक राजनीतिक बयान हो गया। वो मैंने बयान देखा, मेरे पास आपके सारे बयान है 2012 के बाद से, आपने जब तक अब तक बयान दिए वो सब मेरी नजर में है। लेकिन सवाल ये आता है, आपने जैसे अभी कहा कि आपने 2015 के लास्ट में दिसंबर 14 आपने, लेकिन उसके बाद आपने मीडिया को तो कुछ नहीं कहा, आपने कोई बात सामने नहीं आई, आपने उसे स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। मुझे ये बताया गया था कि जो मेरे अंदर की पीड़ा है, जो शंकाएं हैं, जो मैं घुटन महसूस कर रहा था सरकार से, उनको दूर किया जाएगा। ये आपने गुपचुप तरीके से नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी को एक इस्तीफा दिया था, मैंने उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर पत्र लिख के दिया था। लिखित में अगर आप मुझे बता देते तो मैं कॉपी अभी ला के दे देता उसकी। आपने एक पत्र दिया हरीश रावत जी को, मैंने कहा कि आपके सरकार की कार्यप्रणाली जिसमें अधिकारियों के बारे में था, उनके ये जो मसले हैं कुछ उनके बारे में था, और इससे पूरे प्रदेश में हमारी छवि खराब हो रही है। आप अगर ये अंकुश नहीं इस पे लगा सकते तो मेरा इस्तीफा स्वीकृति के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भेज दें। संसदीय सचिव पद से इस्तीफा देते, विधायकी से? विधायकी से था, संसदीय सचिव से नहीं था। तो संसदीय सचिव से क्यों नहीं? मैं इतना घुटन महसूस कर रहा था इस सरकार के अंदर। लेकिन विधायकी से क्या मतलब था उसका? विधायकी से ये था ना कि जनता ने विधायक बनाया आपको, आप जनता के जनप्रतिनिधि, मैं जनता के काम नहीं कर पा रहा था। आप जा रहे हैं, आप जनता के बीच से जा रहे हैं, संसदीय सचिव से इस्तीफा देते तब तो चलता। मैं बता रहा हूँ, मैंने लिखा अभी यही लिखा कि मेरा एकमात्र उद्देश्य रायपुर का विकास करना, और मुख्यमंत्री जी ने एज ए उस समय हमारे नेता थे, जो भी जिम्मेवारी उन्होंने दी मुझे, मैंने उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, ड्यूटी के साथ उन्हें पूरा किया। हाँ, मेरा वही सवाल है, मैं बाकी 8 विधायकों से नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ उमेश शर्मा जी से पूछ रहा हूँ। बता रहा हूँ ना, वो रायपुर विधानसभा क्षेत्र जो 2012 से लेकर 2016 तक का 4 साल के अंदर बहुत कुछ बदल चुकी है, उसमें काफी विकास के कार्य भी आपने कराए, अभी और बदला जाना है। अगर विकास के कार्य आपने कराए तो आपको तो नाराजगी होनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं देखो, यही तो गलती है, ये सारी देन विजय बघोना जी की है। विजय बघोना जी 2 साल पहले चले गए थे, उनके जो कार्य किए हुए थे, उनके जियो, मेरी मेहनत से वो जियो होते। 70 विधानसभाएं हैं, 36 विधायक कांग्रेस के थे, 6 विधायक दूसरे थे, और भी तो होंगे पूरे प्रदेश में। नहीं, विजय बघोना जी की क्या देन है? 2012 के मैं मान लेता हूं कि 2012 के बाद 2014 तक जब विजय बघोना जी रहे, वही तो काम अब तक हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के काम थे। नहीं, उसके बाद काम हुए, वो तो आज तक जारी नहीं हुए, यही तो झगड़ा था। जानबूझकर हमारे जो मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की घोषणाएं थे उनको रोका जा रहा था। नई डिवीजन कब बनी पेयजल की, जल संस्थान की? ये हरीश रावत जी के टाइम पे बनी, हरीश रावत जी के टाइम पे पूरी हुई, मुख्यमंत्री घोषणा विजय बघोना की है। पीडब्ल्यूडी की नई डिवीजन बनवाई आपने? कहाँ है वो तो आपको पता ही नहीं। हाँ, मुझे पता है। फिर प्रवीण बोखंडी वाले मामले पर काफी चर्चा रही। हाँ, तो आप, नहीं सवाल ये आता, जैसे प्रवीण बोखंडी वाला मामला भी हम कहते हैं, उसके अंदर भी काफी, देखो सबसे अच्छा रंजीत रावत जी और आपके बीच में जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई यही थी, हरीश रावत जी के बीच में। मुझे हरीश रावत जी से नहीं झगड़ा, झगड़ा था तो यही जिसका आपने नाम लिया, सुपर सीएम के रूप में जो लोग काम कर रहे थे।
तो प्रवीण बोखंडी को ही लाने क्यों चाहते थे आप? नहीं, प्रवीण बोखंडी काम करने वाला अफसर था, उसके खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले। आप वो देखे तो सही, कोर्ट में भी तक मामला लंबी चला, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले, ऋषिकेश में क्या कुछ नहीं किया उसने। बिल्कुल झूठी बातें हैं वो सब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो अफसर जिसके ऊपर इंक्वायरी के लिए लगाया गया था, जब वो रिटायर हो गया उसके बाद उनके साइन करा के वो चार्जशीट उनको दी गई है। लेकिन बोखंडी अपने आप में बहुत अच्छा काम करने वाला था। मुझे चार काम की ना तो उसके प्रवीण बोखंडी का, जाके मेरा रायपुर देखो, नहीं सवाल रायपुर देखो, ये प्रवीण बोखंडी है, उसके ऊपर एक आरोपी है जिसके ऊपर कोर्ट में केस भी चल रहा है, जिसके खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। एक ऐसे अधिकारी की पैरवी में उमेश जी ने रंजीत रावत जी से, हरीश रावत जी से आपस में बैर लिया, सबसे बड़े सवाल। बिल्कुल लिया, एक अच्छा काम करने वाला जिसने पूरे रायपुर को चमकाया, उस अधिकारी को मैं कैसे कह दूं वो खराब है? आप रायपुर को कह रहे इतना काम किया, प्रवीण बोखंडी ने तो किया, सारी सड़कें उसी की तो देन है। लेकिन प्रवीण बोखंडी के अलावा कोई भी आता काम करता, प्रवीण बोखंडी को क्यों आपने किया? आज छह महीने से अभी भी आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, छह महीने से प्रवीण बोखंडी नहीं है ना ऋषिकेश में, छह महीने से कोई काम हुआ तो मुझे बता दो। प्रवीण बोखंडी की पैरवी अभी तक आप कर रहे हैं? आज भी कर रहा हूँ, अच्छे अधिकारी की, जो अच्छा काम करता है उसकी हमेशा पैरवी करूंगा। जिस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं, जिस अधिकारी के खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, सारे फर्जी केस किए गए, कोई तथ्य नहीं है। मैं उस पुल की बात मैं कर रहा हूं, ये जो खली का कार्यक्रम था उस दिन उस पुल के ऊपर से तो गुजरे, आज वो पुल तो चालू है, उस पुल की तो अनियमितता बताई। उस आदमी ने 26 लाख रुपए की बचत की, यही तो नोटिस है उसे, 26 लाख रुपए बचत करने का कि आपने बचत क्यों कर दी? रणजीत रावत जी से क्या बात हुई थी आपकी प्रवीण बोखंडी वाले मामले पर? अरे वो तो रणजीत रावत जी जानते हैं। आपकी क्या बात हुई थी? जो रणजीत रावत जी ने बात की थी उसके बाद भी उसे हटा दिया उन्होंने, अपनी इच्छा जो जिसके लिए वो कर रहे थे वो पूरी करने के बाद। अब मेरे से क्या करवाते हो आप, समझ गए होंगे सारा नहीं, कि तो जो वो चाह रहे थे वो लेके उसके बाद भी उन्होंने नहीं करवाया। क्या लेकर? जो भी लेते थे। कितने लिए? अब मुझे नहीं मालूम, ये तो प्रवीण बोखंडी जाने और वो जाने क्या क्या उन्होंने लिया और दो क्या पहलू सामने आ गए। यानी प्रवीण बोखंडी अपनी सीट बचा, अपनी अपनी कुर्सी के लिए पैसे भी देता नहीं था। जब अधिकारी क्या करेगा, उसको ये बार बार कहेगा कि तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है, यही तो कह रहा हूँ कि ये सरकार उत्पीड़न कर रही थी अच्छे अधिकारियों का। और यानी प्रवीण बोखंडी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पैसे दिए थे, ये तो वो जानते होंगे। नहीं, आपने भी कहा कि प्रवीण बोखंडी पैसे देते थे, जिन्होंने लिए ये सच है कि रणजीत रावत जी ने उनसे पैसा लिया, सच है। कितने पैसे लिए अभी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको ये जानकारी मिली? बिल्कुल जानकारी है, पूरी है। और जो उसके बाद भी हटा दिया, उसके बाद भी हटा दिया क्यों? नहीं हटाया नहीं, उसके बाद ये सस्पेंशन का भी काम किया, यही तो कहा ये सरकार कर रही थी। जो अच्छे अधिकारी काम कर रहे थे उन पे तलवार लटकाकर उनसे वसूली के काम किए जा रहे। पीड़ा किस बात से, पैसे देने से पीड़ा है या हटाने से पीड़ा है? मुझे पीड़ा किसी बात की नहीं, एक अच्छे अफसर से काम करने से रोकने का नहीं, वो पीड़ा है। नहीं, और अधिकारी देखो एक चीज है, अधिकारी किसी का नहीं होता, ना मेरा है ना आपका है ना किसी का। अधिकारी काम करने के लिए उसकी ड्यूटी है, उसकी सरकार के प्रति काम करने के लिए। अगर उसके ऊपर नाजायज रूप से आप ये कह देंगे कि काम किसने कराए, जब मुख्यमंत्री जी को डोईवाला पहले लड़ना था, दुनिया भर के इन्होंने जाके आदेश करे ये करो ये करो, अगर वो सब उन्होंने कर दिए तो गलत कर दिए क्या? नहीं, मेरा सवाल फिर वही है, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। पीड़ा किस बात की है? मेरी पीड़ा बता तो रहा हूं, पैसे देने की पीड़ा है? मेरी पीड़ा जो सुपर प्रवीण बोखंडी के सस्पेंशन की पीड़ा है, सुपर मुख्यमंत्री के रूप में जो लोग काम कर रहे थे उनकी पीड़ा। रणजीत रावत क्या है, मैं मुख्यमंत्री के तो पैर जोड़ लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, तो रणजीत रावत के क्यों जोड़ूंगा? रणजीत रावत खुद तो सस्पेंशन नहीं करता। नहीं तो रणजीत रावत इतना बड़ा कैसे हो गया कि मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो गया? किसने कभी इसका मतलब, या तो मुख्यमंत्री जी में है, सरकार के मुखिया के नाते? नहीं, मुख्यमंत्री से बड़े कैसे हो गए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप समझाइए ना। आप बताओ ना, जब आपको सब कुछ पता है तो आप ये बताओ ना कि मुख्यमंत्री जी को खामा सुरे क्यों नहीं उनपे लगाम लगाई, क्यों चतुर्तल पे इतने ठेकेदार और इतने अधिकारियों की भीड़ क्यों होती थी, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी के पास रही? सरकार कौन चला रहा था? आपने आपने बात की हरीश रावत जी से? मैंने हर चीज की, प्रवीण बोखंडी वाले हर बिल्कुल की, ये लिखा हुआ उस लेटर में कि ये अधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और आपके किसी के व्यक्ति के द्वारा किया, नाम है उसका
पर आपने अधिकारी की शिकायत नहीं की जो पैसे देकर अपनी कुर्सी बचा रहा है? मैंने अधिकारी की शिकायत नहीं की। अधिकारी की शिकायत भी करनी चाहिए थी, पैसे देने की बात नहीं इसमें, मैंने अधिकारी का मनोबल तोड़ने की बात की है और उसके ऊपर कि तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है। यानी कि आपको लगता है, आपको लगता है इसके अंदर कि कहीं ना कहीं अधिकारी से पैसे लेते थे? अरे ये तो आप अधिकारी को छोड़ दो, आपको पता लग जाएगा आप खनन में क्या हो रहा था, आबकारी में क्या हो रहा था, क्या? लेकिन कोई नया नहीं हो रहा था क्या? नहीं, ये तो 2014 के बाद से लगातार चला। आज 18 मार्च को क्या हुआ था अचानक? नहीं, 18 हमने हर चीज का प्रयास किया। देखो मेरे बहुत से पारिवारिक संबंध है, इंदिरा जी से मेरे पारिवारिक संबंध है, नवप्रभा जी से मेरे पारिवारिक संबंध है, मुख्यमंत्री जी को 10 बार मैंने जाके कहा कि ये स्थिति है, इसको संभालो। अंबिका सोनी से लगातार 4 महीने से हर रोज, मतलब हफ्ते में एक बार मेरी बात होती थी। जब हाईकमान ही नहीं कुछ सोचना चाह रहा था, सुनना चाह रहा था, तो कुछ ना कुछ कहीं तो गुब्बार फूटना था। आप ये एक बात बताओ, आपकी अंतर आत्मा कब तक आपको खामोश इसके साथ बैठाएगी? कभी तो आपका नेक काम के लिए गुब्बार फूटेगा। हमने गढ़वाल को बचाया, हमने अधिकारियों के बचाने की लड़ाई लड़ी, हमने उत्तराखंड को जहर पिलाने से रोकने का काम किया, हमने ये जो लूटने का काम हो रहा था उत्तराखंड को, आज गोला का आपके पास रिकॉर्ड आया होगा, 10 दिन में कितना पैसा मिला, पहले कहाँ जा रहा था, उसका हिसाब तो मांगो। हजारों करोड़ रुपया जो जनता का लूटा गया, इसकी आपने लिखी शिकायत की? अरे मैंने घर को की है, अंबिका सोनी को लिखी शिकायत की आपने? अभी बात कराओ मेरी, खनन को लेकर, उसको हर चीज के लिए कि आपकी सरकार जा रही है। राहुल जी को इस बात समय नहीं है बात करने का। राहुल जी आपने भी शंकराचार्य जी ने कहा बहुत सही कहा, वो बिल्कुल 100% उनकी बातें सत्य थी। कल जो उन्होंने टीवी पे बयान दिया, उनके पास हमने 10 बार, अंबिका जी ने मुझे बताया कि राहुल जी को नोट भेज दिया गया है, उन्होंने लिख के भेज दिया कि दबाव में मैं बात नहीं करता। अच्छा उमेश जी, 18 मार्च के जो घटनाक्रम था उस दिन कैसे घटनाक्रम बना? क्योंकि हरक सिंह रावत जी ने अपने अपने अपना विभागीय बजट ही पास कराया है ना, उसके बाद यानी कि मन मन में था आप सब लोग या पहले से प्री प्लानिंग थी? देखो एक चीज है, 18 मार्च के घटनाक्रम, 18 मार्च की घटना में जब हम पे बजट पास होने के लिए विनियोग बिल आया तो हम पे वो गुब्बार था, हमारी अंतरात्मा ने नहीं गवाही दी। हमने सीधे जिस समय बीजेपी के जो हमारे विपक्षी दल के लोग थे उन्होंने उसके मांग की अध्यक्ष जी से कि इस पे वोटिंग कराया जाए, उसको नहीं सुना गया और बिना विनियोग बिल को पूरा प्रस्तावित भी नहीं किया। पहले कोई भी बिल अगर आता है उसके पहले प्रस्तावित किया जाता है, रखा जाता है उसको, उसके लिए हाँ और ना में बात होती है, फिर उसके बाद पारण होता है। पारण की तो प्रक्रिया ही नहीं की, उससे पहले ही उठ के अध्यक्ष जी चले गए। नहीं वो तो दूसरे पहले तो कोर्ट, खैर कोर्ट करने विचार देने, लेकिन सवाल मेरा ही आता है, उस दिन ये आरोप भी लगे थे कि हरक सिंह रावत जी शायद दो तीन विभागों की मांग कर रहे थे जिनमें उनकी चर्चा चली। ये तो उनको पता होगा। देखो मेरा ना तो हरक सिंह जी से मतलब है, मेरा किसी से, मेरी अंतरात्मा ने मुझे 21 मार्च की मीटिंग के लिए भी बातचीत चल रही थी, सबको सेटिंग करने की बातचीत चल रही थी। ये चीजें तो हरक सिंह जी और मुख्यमंत्री जी में क्या हुआ जनता ने सबको, यानी आपका मीडिया ने भी दिखाया। नहीं सवाल ये है कि आपका कहने मतलब आपको हरक सिंह रावत जी से मतलब नहीं, विजय भवन जी से मतलब नहीं, इस बात के लिए मैं कह रहा हूं जो आपने अभी पूछा कि आपने 18 को उनसे क्या बात की। मेरे उस दिन अंतरात्मा ने मेरी गवाही दी कि मुझे ये इस समय जो सरकार है इसका जो, विजय बोनो जी के पीछे पीछे नहीं गए? नहीं मैं विजय लगा मैं, तो उनका हंगामा हो तो नहीं, मैं अपने मन से गया हूँ, पीछे नहीं गए मैं, किसी के पीछे लगू नहीं हूँ, मैं राजनीति का बच्चा नहीं हूँ दूध पीता। तो वही बस मिली आपको बैठने के लिए भी जिसके बस के अंदर बैठा? नहीं वो बस की बैठने की बात नहीं थी, ये बस किसने दी? ये तो प्रशासन ने, डीएम ने दी हमें, ये बस लाके तो डीएम ने दी। मैंने तो अभी कहा नहीं कि भाजपा ने दी, आपने कहा बस, मैंने तो अभी यही नहीं कहा कि भाजपा ने दिया, किसने दी? हमें मैंने तो अभी ये कहा कि सिर्फ वही बस मिली अगर आप किसी के पीछे नहीं देते। डीजीपी और डीएम और एसएसपी हमने कहा हमें राज्यपाल के जाना है, अब राज्यपाल के जाने के लिए प्रशासन ने जो हमें सुविधा दी हम उस पे गए। आपने कहा ना मैं उनके पीछे नहीं था, तो आप अपनी गाड़ी से क्यों नहीं गए, आप उसी बस में क्यों गए, आप उनके साथ? प्रशासन ने बाहर निकलने से रोक दिया था कि बाहर हंगामा हो रहा है, आप बाहर जाना आपका सुरक्षित नहीं है। तो जो प्रशासन उस समय प्रशासन ने हमें कहा हम बस का प्रबंध कर रहे हैं, तो उनके साथ गए।
बस का प्रबंध करा, उसके बाद आप वहाँ प्रश्न नहीं, मैं तो उठाई नहीं, ये सवाल डीएम से, मैंने तो अभी उठाई नहीं सवाल के भाजपा की बस्ती किसकी बस्ती, आपने कहा कि उसके बाद चार्टर्ड प्लेन, तो मैंने कहा वो बस हमें चार्टर्ड प्लेन डॉक्टर महेश शर्मा लाते, मैं तो अभी कुछ कहा ही नहीं अभी, उसका भी जवाब दूंगा, मेरे पास टिकट है, जिस टिकट में गया हूँ बोर्डिंग पास बन के गया है, उमेश शर्मा काउ के नाम से टिकट है, टिकट कब बुक हुआ, मैंने शाम को कराया, शाम को लास्ट फ्लाइट से, वो मेरे पास टिकट है, नहीं नहीं अगर आप मुझे बताते ये सवाल करना है, मैं बोर्डिंग पास की कॉपी लेके आता, बोर्डिंग पास था मेरे पास, बोर्डिंग पास है, सबके नाम के टिकट, मैंने टिकट देखे हैं सबके नाम के, तो टिकट जब देखे तो फिर क्या सवाल, आप एक चीज बताइए ना, हाँ? अभी आपने कहा कि आपके पास बोर्डिंग का टिकट था, डॉक्टर महेश शर्मा चार्टर्ड प्लेन, बिल्कुल चार्टर्ड, मैं किसी 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 भी विमान में अगर मैं बैठा हूँ, कोई भी नाम का होगा, मेरे नाम से, मैं सवाल आपने टिकट किसने बुक कराया था, टिकट किसने बुक कराया था, मैंने कराया खुद, आपने बुक कराया, कितने बजे बुक कराया था आपने, मैंने शाम को कराया, शाम को, यानी कि घटना से पहले, वो 8-9 बजे की फ्लाइट थी, 7 बजे मेरा टिकट आया, जब ये घटनाक्रम हुआ उस टाइम आपने बुक करा लिया, बिल्कुल कराया, उसी उसका प्लेन का, जब हमने कराया इसीलिए कराया कि हमें राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिलना पड़ेगा, इसलिए हमने उसका भी टिकट कराया, दिल्ली का भी, दो पहलू सामना है कि आप उनके पीछे नहीं थे, लेकिन आपके सारी चीजें वहीं से मैच हो रही हैं, कहां से मैच हो रही हैं, क्या एक ही बस है, एक ही प्लेन है, एक ही होटल है, प्रशासन जानता हूं, एक ही होटल है, एक ही प्लेन है, एक ही बस है, वो प्रशासन जानता है, ये प्रशासन, ये जो जिला प्रशासन है हमारा, वो जवाब देगा कि आपने एक ही बस क्यों दी, होटल भी जिला प्रशासन ने बुक कराया था, कौन सा दिल्ली, उसमें गुड़गांव में, हम गुड़गांव में उस होटल में नहीं रहे जिसका आप नाम ले रहे, यानी आप वहां से उससे अलग अलग रास्ता, मैं तो अलग था, गुड़गांव वाले होटल में नहीं रुका, मैं उसमें नहीं था, मैं गुड़गांव में एवरेस्ट उसमें था, उसमें नहीं थे, लीला में नहीं था, लीला में नहीं था, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी उमेश शर्मा जी से चर्चा जारी।